नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल जेएसआर स्टडी में। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है करंट अफेयर 2018, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुभवी पत्रकार जे एन साधु का निधन हो गया, वह किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो इसका जो आंसर है ये है द इंडियन एक्सप्रेस, और ये जे एन साधु जी का पिक्चर है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अनुभवी पत्रकार जे एन साधु का 94 वर्ष की उम्र में हिमाचल प्रदेश के शिमला में निधन हो गया। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम किया। साधु 3 दशक पहले इंडियन एक्सप्रेस से सेवानिवृत्त हुए और शिमला में बस गए। सेवानिवृत्ति के बाद वह फ्रीलांस पत्रकार के रूप में सक्रिय लेखन में थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जे एन साधु जो है हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, एशिया बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2018 में किस भारतीय खिलाड़ी ने ऐतिहासिक पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो आंसर है यह है लक्ष्य सेन, और ये लक्ष्य सेन की पिक्चर है। भारत के लक्ष्य सेन ने 22 जुलाई को जकार्ता में एशिया बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2018 में ऐतिहासिक पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने थाईलैंड के शीर्ष कुलावुत बीटीडसरण को पराजित किया। इसके साथ वह गौतम ठक्कर और ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के बाद प्रतियोगिता में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय शटलर बने। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु ने 2012 में जो है खिताब जीता था, जबकि ठक्कर ने 1965 में यह स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है यह है गुजरात। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 4 जुलाई को गुजरात सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उन्हें पोषक भोजन प्रदान करके बच्चों के बीच कुपोषण को खत्म करने के लिए राज्यव्यापी मिशन पोषण अभियान शुरू किया। राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने हाल ही में कन्यावन समृद्धि योजना शुरू की है? तो इसका जो आंसर है यह है महाराष्ट्र। कन्या वन समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार की एक नई योजना है, जिसमें किसान परिवार जहां बालिकाएं पैदा होगी उन्हें वृक्षारोपण के लिए पौधे दिए जाएंगे। पौधे विभिन्न प्रकार की किस्मों में होंगे, जिनमें आम, जैकफ्रूट, कालीवेर और इमली आदि शामिल होंगे। योजना अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए होगी। इन पेड़ों से प्राप्त आय बालिकाओं के भविष्य के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता बहादुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये जो थे ये फिल्म जगत से संबंधित थी। इनके बारे में जानिए। अनुभवी अभिनेत्री रीता बहादुरी, जो कि 62 साल की उम्र में जिनका जो निधन हो गया, उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन शो में बड़े पैमाने पर श्रेष्ठ कार्य किया। उनका जो है 17 जुलाई 2018 को मुंबई में निधन हो गया। मनोरंजन जगत में 3 दशकों से अधिक करियर में उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में भी अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है रीयूनाइट। 29 जून को वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत में लापता बच्चों को ढूंढने के लिए नई दिल्ली में रीयूनाइट ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय पत्रकार को दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन का नया चेयरमैन चुना गया है? तो इसका जो आंसर है यह है रजत शर्मा। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को डीडीसीए का नया चेयरमैन चुना गया है। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर मदन लाल को 517 मतों से हराया। इस बीच विनोद तिहारा को सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया है। ओम प्रकाश शर्मा नए कोष सचिव है और राजन मचंद संयुक्त सचिव चुने गए हैं। रजत शर्मा को 2016 में पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल जीता है? तो इसका जो आंसर है यह है अजय ठाकुर।
भारतीय टीम ने 30 जून को ईरान को हराकर 2018 कबड्डी मास्टर्स दुबई टाइटल जीता है। इस पूरे मैच में भारत की कप्तानी अजय ठाकुर ने की और 3 बार के विजेता भारत ने ईरान को पूरे मैच में कहीं भी संभलने का मौका नहीं दिया। 6 टीमों के इस टूर्नामेंट का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन द्वारा किया गया था। 2 बार की विजेता भारतीय टीम के पास अब मास्टर टाइटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनवा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सबको पता ही होगा कि ये जो है 26 जुलाई को मनाया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने 1999 में पाकिस्तानियों के हाथों में जा चुकी सबसे ऊंची चौकी को पुनः अपने अधिकार में ले लिया था और ऑपरेशन विजय को जो है सफल बनाया था। यह दिवस भारत के 500 वीर गति प्राप्त सैनिकों की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये तो आप सबको पता लग ही गया होगा पिक्चर देख के। जी हाँ, इसका आंसर है राहुल द्रविड़। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। द्रविड़ इस सूची में नामित होने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बने। अन्य 4 विशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव और अनिल कुंबले जी थे। नेक्स्ट है, 15वें राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर है यह है धनवीर सिंह। पंजाब के गोला फेंक खिलाड़ी धनवीर सिंह ने 23 जुलाई 2018 को बड़ोदरा में 15वें राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने 2011 में नवतेजदीप सिंह द्वारा 19.3 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ने में अपने 5वें प्रयास में 19.69 मीटर गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में धनवीर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। महिलाओं के 400 मीटर बाधाओं में केरल की विष्णु प्रिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।